न जाने कब तक ये पहाड़ ऐसे ही सर उठाए खड़े हैं। न जाने कब से, न जाने कब तक ये पहाड़ हर पल रंग बदलती इस दुनिया को देख रहे हैं। न जाने क्यों कुछ लोग यहाँ आके स्पर्धा में उलझ जाते हैं। न जाने क्यों कौन पहला और कौन आखिरी की रेस में लग जाते हैं। ये पहाड़ ही आदि और यही अनंत, न जाने कितनी सदियों से अनेकों राज दबाए खड़े हैं। यहाँ न कोई पहला न कोई आखिरी, हम सब तो मुसाफिर है यहाँ, आज है और कल नहीं, लेकिन ये कुदरत यही पहली और यही आखिरी। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कहीं दूर बाय मेघा कपूर। और इस वीडियो में मैं अपना क्वारी पास ट्रैक का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। सो ऑन डे वन आई स्टार्टेड फ्रॉम गुरुग्राम। सो अभी हूँ मैं देवप्रयाग में और सुबह के 9:30 बज रहे हैं। नाउ आई विल स्टार्ट फॉर जोशीमठ। कल रात में अराउंड 5:45 आई रीच्ड हियर। अंधेरा हो गया हुआ था, सो आई डिसाइडेड कि आई विल स्टॉप हियर। Unfortunately, मुझे एक बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी मिल गया। I quickly searched on maps. And on day 2, I continued my drive from Devprayag to Joshimath. मुझे जोशीमठ पहुंचने में 5 घंटे लगे, लेकिन हैरान करने वाली बात ये थी कि जब 3 साल पहले मैं इस रास्ते पे आई थी, तब भी पहाड़ कट रहे थे और आज भी पहाड़ कट ही रहे हैं। न जाने कितना और विकास होना बाकी है। I seriously feel that we humans have forgotten that nature knows how to renew herself, and we all are living in this false hope that this world is ours. So all set for the trek. सुबह 5 बजे हमें उठाया गया और 5 बजे से we were doing some drills, थोड़ा running किया, jogging किया, running तो I can't say but jogging किया and brisk walk भी किया, but other people were doing really good. अभी ब्रेकफास्ट करने वाले हैं हम, एंड देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट। और ब्रेकफास्ट करने के बाद हम 11 लोगों का ग्रुप अपनी मंजिल की तरफ निकल पड़ा। एंड बाय एनी चांस अगर आप अपना कोई सामान लाना भूल गए हैं तो जोशीमठ मार्केट से रेंट पे भी ट्रैकिंग गियर्स ले सकते हैं। तो वेलकम गाइस, ये तुगासी विलेज है जहाँ से हमारा ट्रैक तुम्हारे पास स्टार्ट होने वाला है। अप्रॉक्स हमारा 3 किलोमीटर रहेगा, डिसेंट अप्रॉक्स। टोटली एसेंट है, टोटली स्टीप पैच है, तो आराम आराम से चलना है आप लोगों ने, ठीक है। माउंटेन मैनर का ख्याल रखना है, लाइन में चलना है, मतलब रेस नहीं है ब्रो ये, ठीक है। ये एक टीम वर्क है, हम लोगों को एक दूसरे का सपोर्ट करके चलना है। कोई नहीं चल पा रहा तो उसको सपोर्ट करो, ठीक है। पानी पियो, हाइड्रेटेड रखो एक दूसरे को। चलो गाइस, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। Campsite Gulin Top, and the view in front of me is just mesmerizing. Like, these mountains are huge, really huge. Oh
और कैंप पे पहुंचने के बाद तो हम सारे जैसे बस खाने पे टूट पड़े। आई थिंक फूड वॉज द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस एंटायर ट्रैक। और आज हम गुलिंग टॉप से ताली के लिए निकलेंगे एंड द डिस्टेंस इज अप्रॉक्सीमेटली 4-5 किलोमीटर। ये पीछे था हमारा कैंप साइट और आज तो धूप अच्छी है सो होपफुली ज़्यादा इश्यूज ना हो। कल बहुत विंडी था, बहुत क्लाउडी था और यहाँ गुलिंग टॉप में पहुँच के तो मतलब इट वॉज फ्रीजिंग। रात में भी बहुत ज़्यादा ठंड थी बट होपफुली आज पूरा फॉरेस्ट ट्रेल है तो शायद उतनी ठंड ना लगे जितनी कल लगी थी। Winter sun is always, always, always a blessing. चलो चलो कमांडो, रुकना नहीं है। Next camp, which is within beautiful dense forest. Now we are going to Tali Lake, which is almost 1 kilometer from our camp. इतना खाना खा लिया उसके बाद चल रहे हैं एंड हमारे जो ट्रैक लीडर हैं उन्होंने बोला कि पूरा अपने को पैक कर लो बिकॉज आते टाइम शाम हो जाएगी और बहुत तेज़ हवाएं चलेंगी एंड इट सीम्स जहाँ पे लेक है वहाँ पे भी बहुत हवाएं चलती है तो इतना खाने के बाद और फुल लेयरिंग डालने के बाद मुझसे तो चला ही नहीं जा रहा है। इट हैज़ बिकम सो टफ, आई फील लाइक अ स्टफ्ड डक। तुषार भाई कितना बचा है? बस 1 किलोमीटर का पैच था, 1/2 किलोमीटर डन हो चुका है। एक थोड़ा सा एसेंट आएगा उसके बाद स्नो पैच है फिर लेक है। सो आज 2022 का लास्ट डे है। दिस ईयर वॉज वेरी टफ, होपफुली नेक्स्ट ईयर ब्रिंग्स लॉट ऑफ हैप्पीनेस, जॉय एंड कंटेंटमेंट टू ऑल आवर लाइव्स। सो आज हमारा समिट डे है और 6 किलोमीटर का वन वे ट्रैक है हमारा तो टोटल इट विल बी 12 किलोमीटर्स। काफ़ी लोग अभी भी टेंट्स के अंदर हैं और हमारे ट्रैक लीडर उनको आवाज़ें दे दे के बाहर बुला रहे हैं, कुछ लोग रेडी हैं। सो इट्स गोइंग टू बी अ लॉन्ग डे। पता नहीं मौसम, कभी बादल है, वी डोंट नो कि क्वारी पास में कैसा सीन होगा। दो आई हैव टेकन पोंचोस साथ में रख लिए, हमारे ट्रैक लीडर ने बोला गेटर्स की जरूरत नहीं है, उतनी बर्फ़ नहीं है वहाँ पर। बट लेट्स सी कैसा जाता है दिन। बहुत ज़्यादा स्टीप ट्रेल था ये, पर जो नज़ारा है मेरे सामने अभी, वाओ। Let me show all of you.
5 minute walk start hoga and it's too windy. And that top is the Quarry Pass summit point. The most trickiest point in this entire trail is the broken bridge. एकदम solid ice होने की वजह से बहुत ही ज़्यादा slippery patch है और बहुत ही carefully इसे अलग रास्ते से cross करना पड़ता है. Summit point. बहुत स्टीप था, बहुत ज़्यादा ठंडा भी है मेरे. Guys, this is first day of 2023 and wishing everyone a very happy new year. So we did summit, now we are going to the actual quarry pass. वो summit point वहाँ पर है. जो actual quarry pass है वो summit point से और 1 kilometer आगे है. So that's where we are heading. हर 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 शाबाश. फर्स्ट टाइम मेरा कोई ग्रुप यहाँ पे आया और मुझे तो बहुत अच्छा लगा. थैंक्स टू यू गाइस. बस यही तमन्ना है कि ये पहाड़, ये वादियाँ हर बार मुझे इसी तरह अपने पास बुलाती रहें, बुलाती रहें, बुलाती रहें. सो आज हमारा ग्रुप वापस जाएगा जोशी मठ. सो येस्टरडे वी स्टार्टेड फॉर द समिट अराउंड 8:30 इन द मॉर्निंग और शाम के 4:30 बजे तक हम लोग वापस आ गए थे. तो गाइस जितना भी आपने खाना खाया, जितना भी अगर आपको अच्छा लगे ना, सब इनकी वजह से. ये हमारा ग्राउंड स्टाफ है. थैंक यू एंड थैंक यू सर. बिल्कुल भी लिटर ना करें. जो भी आपके पास रैपर्स है या कुछ भी गार्बेज है उसको प्लीज अपने साथ वापस कैरी करें या प्रॉपर थ्रैश कैंस में ही डिस्पोज करें. आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज के लिए मेरे चैनल कहीं दूर बाय मेघा कपूर को सब्सक्राइब करना ना भूलें.